अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर CS 301 का करंटली पेपर करवाऊंगा और लाइव पेपर आपके साथ शेयर करूंगा। तमाम MCQs जो थे वो प्रिपरेशन वीडियो से थे जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया और ये खुद हमने सोल्व किए हैं, तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो प्रिपरेशन वीडियो से कुछ भी नहीं आता। 110% MCQs जो हमने खुद सोल्व किए हैं वो प्रिपरेशन वीडियो से ही आए हुए थे, मोस्टली रिपीटेड थे MCQs। और प्रिपरेशन वीडियो ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ जो मैंने आपके स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। ये देखें, रेफरेंस वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज्ड इन डिफरेंट स्टेटमेंट। जो रेफरेंस वेरिएबल होता है ये होता है क्या, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, उसके बाद हम इसको डिफरेंट स्टेजेस पर डिफरेंट स्टेटमेंट्स पर जो है हम इसको इनिशियलाइज करते हैं। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, क्या आप एग्री इन स्टेटमेंट पर, जस्टिफाई योर आंसर इन ईदर केसेस। आपने जस्टिफाई करना है जनाब आंसर को केसेस के अंदर। अच्छा, एक मिनट, मैं पहले आपको ये लिख के दिखा दूँ कि रेफरेंस वेरिएबल का मतलब क्या है या मकसद क्या होता है। जहाँ पर भी रेफरेंस वेरिएबल इस्तेमाल होता है वहाँ पर एंड का साइन जो है वो मस्ट है, ठीक है। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि रेफरेंस वेरिएबल हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या ताकि हमें डिफरेंट स्टेटमेंट का रेफरेंस मिल जाए या हमें जो वेरिएबल की जगह है, जिस तरह मेमोरी के अंदर वेरिएबल कहाँ पर पड़ा हुआ है, तो उस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम उसके एड्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो जो एड्रेस होता है बेसिकली डैट्स कॉल्ड द रेफरेंस वेरिएबल। इसको हम हैंडआउट्स की एक दफ़ा जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। तो हैंडआउट्स में देखते हैं क्या कह रहे हैं आपको। तो ये आपका रेफरेंस वेरिएबल का टॉपिक है, इसको मैं अगर थोड़ा सा जूम कर दूं आपके लिए, तो रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है जी। रेफरेंस वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो आपको रेफरेंस प्रोवाइड कर देता है। वी विल डिस्कस इन डिटेल, हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। जिस तरह देखिए आपको क्या कह रहा है कि द सिंबल एंड एंड रेफरेंस आई हैव बीन फ्यू डिफरेंट पर्पसेस विद रिस्पेक्ट टू इट्स ऑकरेंस इन द कोड इन C++ प्रोग्रामिंग। वी हैव सीन दैट व्हेन द ampersand sign हम एंड के साइन को कहते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये आपने याद करना है, आपका MCQs भी है। अपीयर इन फ्रंट ऑफ द वेरिएबल नेम इट इज एड्रेस ऑपरेटर इट रिटर्न द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इन फ्रंट ऑफ इट इज ऑफ विच इट इज रिटर्न। वो कह रहा है कि जब हमें एड्रेस चाहिए होता है रेफरेंस वेरिएबल का, यानी हमें वेरिएबल का एड्रेस चाहिए होता है, तो हम वहाँ पर अपेंडेंट साइन को या एंड के साइन को इस्तेमाल करते हैं। तो यही वो मेन वजह है कि हमें बार बार किसी भी वेरिएबल का एड्रेस चाहिए, किसी भी वेरिएबल का रेफरेंस चाहिए, तो वहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल को इस्तेमाल करेंगे। इसी वजह से हम रेफरेंस वेरिएबल का इस्तेमाल डिफरेंट स्टेटमेंट्स में करते हैं और डिफरेंट जगह पर करते हैं और डिफरेंट जगह पर इनिशियलाइज करते हैं। लिखने का तरीकेकार क्या होता है, लिखने का तरीकेकार ये होता है कि एंड वेरिएबल और नेम, ये लिखने का तरीकेकार है, ठीक है। इसके जरिए हम जो है उसको डिक्लेयर कर सकते हैं और आखिर में सेमी कोलन का इस्तेमाल हम करते हैं। तो ये आपका 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन था, होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। इसी कॉन्सेप्ट को लिखते हैं इंशाल्लाह ताला आपका और आपको नंबर मिल जाएंगे। उसके आगे देखिए 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें आपको कह रहा है कि आपने इसको पोस्ट फिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोस्ट फिक्स फॉर्म का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपने ऑपरेंड को ऑपरेटर से पहले लिखना है। जिस तरह देखिए ये मैं अगर आपको सिंपल करके दिखाऊं, फर्ज कर लें ए प्लस बी, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑपरेंड्स हैं। ये जो ए भी है ये ऑपरेंड है और जो ये जो प्लस है ये ऑपरेटर है। अब आप इसे कहेंगे ना ए बी प्लस, तो ये पोस्ट फिक्स है क्योंकि आपने क्या किया, आपने ऑपरेटर को ऑपरेंड के बाद में लिखा। और अगर आपसे कहते हैं कि आप प्रीफिक्स में लिखें तो ये आपको ऑपरेटर का जो है वो साइन पहले लिखना है, यानी इस तरह प्लस ए और बी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये इसकी पोस्ट फिक्स होगी। पोस्ट फिक्स में हम प्योरिटी देते हैं ब्रैकेट्स को। अब ये पहले क्या है, बी और सी है। अब मैं इसको इस तरह लिखूंगा कि ए फिर उसके बाद बी फिर उसके बाद सी। अब आपने जो साइन है पहले उसको क्या डालना है, यानी साइन में पहले आपने रेफरेंस देना है किसका, माइनस का। अब आप पहले माइनस लिखें उसके बाद मल्टीप्लाई। अगर ये ब्रैकेट ना होता फिर हमने क्या करना था, फिर हमने यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई को लिखना था, चूंकि मल्टीप्लाई की जो वैल्यू है, मल्टीप्लाई की जो इंपॉर्टेंस है वो ज्यादा है। अब यहाँ पे ए बी सी माइनस, माइनस क्यों आया, ब्रैकेट की वजह से, फिर मल्टीप्लाई उसके बाद डी और उसके बाद डिवाइड। तो ये हमने इसको पोस्ट फिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। सिंबल कौन कौन से इस्तेमाल हुए हैं, सिंबल आपको बताया प्लस है, माइनस है और डिवीजन है, ये आपने सिंबल यहाँ पे लिख देने हैं। अब यहाँ पे देखिए वो आपको क्या कह रहा है कि अब आपने स्टैक का देखना है वर्ड्स, तो स्टैक में कौन कौन सा फंक्शन जाएगा, पहले बी जाएगा, बी और सी, ठीक है, फिर उसके बाद ए और फिर उसके बाद डी, नहीं सॉरी, हाँ पहले डी जाएगा, इस तरह ए बी सी और डी, ये हमारे पास जो 3 फंक्शंस हैं इस तरह स्टैक के अंदर चले जाएंगे। तो ये बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें आपने सिंपल इतना सा काम करना है, आपका जवाब जो है वो सॉल्व हो जाएगा। पोस्ट फिक्स फॉर्म में भी कन्वर्ट करने के लिए आ सकता है और प्रीफिक्स फॉर्म में भी कन्वर्ट करने के लिए आ सकता है। प्रीफिक्स में याद रखिएगा सिर्फ ये जो प्लस और माइनस ये पहले चला जाएगा, यानी प्लस माइनस ए बी सी और डी जो है, यानी ब्रैकेट, ये जो डिवाइड का साइन आपको नजर आ रहा है ये इससे पहले आ जाएगा और डी इसके बाद आएगा, ये प्रीफिक्स फॉर्म है इसकी। तो सिंपल ये इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी ये जो है वो कॉन्सेप्ट प्रिपरेशन वीडियो में बहुत डिटेल से कवर करवाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर सुनिएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत सारा फायदा आपका वहाँ से हो जाएगा।
उसके आगे देखें, राइट डाउन एल्गोरिदम स्टेप फॉर लेवल ऑर्डर ट्रांसवर्सिंग ऑफ अ बाइनरी ट्री। आपने एल्गोरिदम लिखना है। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम होता है सेट ऑफ स्टेप्स। जिस तरह आपने जूनियर क्लास में या जूनियर सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, आप सेकंड सेमेस्टर में CS201 में आप पढ़ चुके हैं कि एल्गोरिदम का मतलब ये होता है कि अगर आपने चाय बनानी है तो उस चाय के लिए सबसे पहले आपको फ्लेम को ऑन करना पड़ेगा, चाय वाले बर्तन को उसके ऊपर रखना पड़ेगा, उसके बाद आप मिल्क डालेंगे, दूध डालेंगे, बाद आप चीनी पत्ती वगैरह डालेंगे और एट द एंड उसको पकाएंगे और हमारे पास जो चाय है वो तैयार हो जाएगी। तो ये सेट ऑफ स्टेप्स हैं जो हम एल्गोरिदम है। अब ट्रांसवर्सिंग ऑफ बाइनरी ट्री में आपने क्या करना है, ये इसका जवाब है। थोड़ा सा ब्लर है, प्लीज इसके साथ कोऑपरेट कीजिएगा मेरे साथ। यहाँ पे देर आर बेसिकली टू फंक्शन इन दिस मेथड। हमारे पास दो फंक्शन होते हैं मेथड में। वन इज टू पॉइंट आर नोट्स। एक ही होता है कि हम प्रिंट करते हैं या पॉइंट करते हैं तमाम नोट्स को एट द गिवन लेवल, प्रिंट करंट लेवल, एंड द अदर इज टू प्रिंट द लेवल ऑर्डर। लेवल का मतलब क्या होता है वो मैं आगे जाके आपको, ये जब इसकी डायग्राम है बनाई हुई है, मैं आगे जाके आपको वो दिखाऊंगा, वहाँ से लेवल भी समझा दूंगा, जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन है इटसेल्फ, वो भी बहुत दफा पूछा जा चुका है करंटली पेपर्स के अंदर। तो लेवल ऑर्डर्स के अंदर हम इसको पॉइंट करते हैं या प्रिंट करते हैं, और दूसरा जो है वो है हम नोट्स को प्रिंट करते हैं। प्रिंट लेवल ऑर्डर मेक यूज ऑफ प्रिंट लेवल या प्रिंट करंट ऑर्डर या लेवल टू प्रिंट नोट एट ऑल प्रिंट वन बाय वन स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट। ये रूट से स्टार्ट होता है। इसका मेन कॉन्सेप्ट है, आपको यहाँ से जाकर समझाता हूँ। ये देखें, ये लेवल वन है, लेवल टू है, लेवल थ्री है, लेवल फोर है। अब यहाँ पे देखें आपको क्या बता रहा है, ये जो लेवल आपको स्टार्ट हो रहे हैं ना, ये बेसिकली आपकी बुक में लेवल जीरो से भी स्टार्ट हुए हैं। आप लेवल जीरो से कह लें डजंट मैटर, लेकिन ये ट्रांसवर्सल ट्री है। अब यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि ये नोड्स हैं, ये जो आपको 10, 30, 20 नजर आ रहे हैं ये नोड है। और एक बात याद रखिएगा, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर यहाँ पे यानी जो लेफ्ट वाली साइड होती है ना, उसके ऊपर ये जो नोड इन्होंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये वैसे आपकी बुक में ना, अगर आप बुक से देखेंगे ना, तो ये जो आप पेरेंट नोड नजर आ रहा है ना, यहाँ पर इससे छोटी वैल्यू होगी। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे छोटी वैल्यू लिखें। इन्होंने 20 लिखा हुआ है, आप यहाँ पे जो है वो कोई भी लिखते हैं, यानी आप 10 से छोटी लिखें तो आप 8 कर लें। लेफ्ट वाली साइड पे पेरेंट नोड से छोटी वैल्यू आएगी, जबकि राइट वाली साइड पे पेरेंट नोड से जो है वो ग्रेटर वैल्यू आएगी। क्योंकि ये हमने सिर्फ लेवल ऑर्डर बताने, तो उन्होंने यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा, लेकिन मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग ही चलें। इस तरह 20 है ना, आप 20 से या 8 है, 8 है छोटी, आप यहाँ पे लिखेंगे, यानी 4 आप यहाँ पे कर लें, और यहाँ पे जो कि 8 है यहाँ पे जो है वो आप 9 कर लें या 10 कर लें, आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इस तरह लिखें, ये लेवल 3 तक आप बना दें, आपके लिए इनफ है, ठीक है। इस तरह 30 है, अब 30 से आप यहाँ पे छोटी वाली लिखेंगे तो ये 20 कर लें, और यहाँ पे आप जो है वो बड़ी कर लें तो आप यहाँ पे 40 कर लें। तो ये आप इस तरह जो है वो डायग्राम बना लें, ये आपके लिए इनफ है। लेकिन इन्होंने लेवल का ख्याल रखा हुआ है, लेकिन इन्होंने नोट का ख्याल नहीं रखा हुआ। लेकिन हम बुक्स के अंदर ये पढ़ के आ चुके हैं कि जो लेफ्ट वाली साइड है वो छोटी होनी चाहिए वैल्यू, और जो राइट वाली साइड है वो बड़ी होनी चाहिए पेरेंट नोट से। एक दफा मैं ये कॉन्सेप्ट आपको आपकी किताब से भी समझा देता हूँ, वहाँ से आपको मजीद अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ। ये देखें, ये जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे हमारे पास जो पेरेंट नोड है वो 5 है। अब इसकी छोटी यानी लेफ्ट जो सब चाइल्ड है उसकी छोटी वैल्यू है पेरेंट से 2 है। इस तरह ये 8 है, ठीक है। इसी तरह आगे देखें 1 है, फिर 4 है। अब ये जो 2 है इससे छोटी वैल्यू अगर होगी तो वो लेफ्ट वाली साइड पर जाएगी, और अगर बड़ी वैल्यू होगी तो वो राइट वाली साइड पर आएगी। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा था वहाँ पर भी। इस चीज़ को हम जो है वो ट्रांवर्सल ट्री कहते हैं। मैं आपको एक बार दोबारा दिखा भी देता हूँ, तो ये देखें ट्रांवर्सल ऑफ अ ट्री, इसको हाइट कहा जाता है, और इसी को हम लेवल्स कहते हैं। तो ये आपने ट्री बना देना, यही वाला बना दें, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आपसे आते हैं। एमसीक्यूज आपको इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि एमसीक्यूज टोटली रिपीटेड थे, ठीक है। तो आप एमसीक्यूज को प्रिपरेशन वीडियो में देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका तमाम तर्क जो कॉन्सेप्ट होगा वहाँ पे रिपीट हो जाएगा, और आपको वहाँ पे क्लियर भी करवा दिया जाएगा उसी वीडियो के अंदर। तो यहाँ तक आपकी वीडियो थी, होपफुली आपको तमाम चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।